जयंबे गौरी मैया जय मंगल मूरती तुमको निषदिन ध्यावत ब्रह्मा और शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज कटी को मृग मद को मैया टी को मृग मद को उज्ज्वल से दो एक दो तीन चार पांच। अरे वाह उस्ताद, दिवाली पे तो आप हर साल जीतते हैं। अरे जीतता तो मैं ईद पर भी हूँ मिर्जा तुफ्ता, बस के ईद पे रस्म नहीं है जुआ खेलने की। ईद पर तो ईद भी कौन से दूर है, अगली 15वीं को है ईद। जी हाँ, आप भी कहाँ रस्म रिवाज मानते हैं मिर्जा। ऐसा ना कहो भाई, मैं हर रस्म रिवाज को मानता हूँ, इसीलिए किसी एक का कायल नहीं हूँ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध शिर्व स्वस्ति न इंद्रो। और फिर रिवाज तो वो जो रायज हो जाए चाहे गलती क्यों ना हो, जैसे आजकल किले में किसी और की शायरी का रिवाज है। पुरोहित जी, हम पूजा नहीं करते लक्ष्मी देवी की, मगर उसके कायल तो हैं। तिलक हमारे भी लगा दीजिए, बड़ी जरूरत है उसके आशीर्वाद की। तिलक लगा के बड़े हसीन लग रहे हैं मिर्जा नौशाद। पूरा हिंदुस्तानी लग रहा हूँ। बचपन में बंसीधर के घर पूरियां खाने हर पूजा पे पहुंच जाया करता था। तिलक लगाकर मैं बंसीधर से ज्यादा हिंदू दिखता हूँ। पिताजी पिताजी, मेरा ये अनार जला दीजिए ना, मुझसे जलता ही नहीं। अरे भाई खुद जलाओ जाकर, हमें खेलने दो। अरे मियां तुस्ता, जाओ मदद करो अपने बेटे की। क्या नाम है तुम्हारा? पीताम्बर सिंह। पीताम्बर सिंह, जाओ ना मदद करो इसकी। आप चाहिए उस्ताद, आपकी बाजी तो फिर चुकी। चलो मियां पीताम्बर सिंह, हम तुम्हारा अनार जलाते हैं। आ जाओ। एक दो तीन। लो भाई, बच्चे तो गए चचा गालिब के पीछे। आ जाओ, कहाँ है तुम्हारा अनार? ये है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। आओ अनार जलाओ। हमें डर लगता है। डर किस बात का? तो जलाने दो। देखो इसे स्प्रे जलाना, और जब वो जल जाए तो फिर उसका उसके साथ वो ऐसे करके वो अनार है ना उसमें लगा देना। छोड़ो मेरा दुपट्टा, छोड़ो छोड़ो। आधा बरसे है हुजूर। कहो चंदन, मिठाई भेजी सुखानंद जी ने। जी हुजूर। जी हुजूर, घर तक पहुंचा कर आया हूँ। हमारी तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया कह देना। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मिर्जा जी, दिवाली की मिठाई खाएंगे आप? जी बर्फी है, आप खाएंगे? मुसलमान होकर? और बर्फी हिंदू है। और क्या, मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है। और जलेबी वो किस जात की है, खत्री है या शिया या सुन्नी? ला हौल विला कुव्वत। असद भाई, ये पेंशन का फैसला होते होते होगा। सारा मामला फिरंगियों के हाथ में है। रेजिडेंट से कमिश्नर, कमिश्नर से गवर्नर, गवर्नर से गवर्नर जनरल, इनका कोई भरोसा नहीं। कल ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिस्तान जाओ और मलिका विक्टोरिया से बात करो। तुमने तो सुना अंग्रेजी भी सीख लिया शम्स। भी नहीं समझा पाते उन्हें असद भाई। यस यस, नो नो सर, बस इतना ही सीखा है। वैसे असद भाई, ये कमबख्त फिरंगी कमाल के लोग हैं। अरे अच्छी खासी उर्दू बोल लेते हैं, और इस फ्रेजर ने तो बाकायदा उस्ताद रख लिए हैं। फ्रेजर कौन? फ्रेजर इस वक्त तो दिल्ली का कमिश्नर है। सुना है कि जल्द ही रेजिडेंट बनने वाला है। तुम मिले हो इससे? इस क्या नाम बताया? विलियम फ्रेजर। विलियम फ्रेजर मिला, कहता है कि सारा मामला शुरू से आखिर तक तहरीर करके दो। समझे ना असद भाई, तहरीर करके दो, ताकि वो कलकत्ता गवर्नर जनरल को भेज सके।
उसके बाद ही तो फैसला होगा ना। तो तहरीर करके दिया तुमने या मैं करके दूं? नहीं नहीं, हाजी ख्वाजा से कहा था कि वो सारे कागजात तैयार कर दे। लेकिन हाजी तो खुद को जायदाद का हिस्सेदार समझता है। असद भाई, फिलहाल काम तो हो जाने दीजिए। आइए तशरीफ रखिए। सारी भाग दौड़ वही कर रहा है, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। ये तस्लीम मिर्जा नौशा। वैसे फ्रेजर ने यकीन दिलाया है कि रेजिडेंट से बात करके कुछ रुपया शाही खजाने से अभी दिलवा देगा। ये लीजिए लीजिए ये। नहीं, मैं दिन में नहीं पीता। असद भाई, बहुत बढ़िया शराब है, बेहतरीन, यही मेहरौली में छनती है। अरे मिर्जा नौशा सिर्फ स्कॉटलैंड की ही शराब पीते हैं, ओल्ड टॉम जो मेरठ छावनी मिलती है। वो तो बहुत महंगी होगी हैं? पूरे 8 आने की एक बोतल आती है। पैसे कब मिलेंगे? बस 4-5 दिनों में, इंशाल्लाह ईद से पहले ही मिल जाएंगे। लेकिन इस दरख्वास्त पर आपके दस्तखत बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर। हाँ, दस्तखत करने हैं। यहाँ यहाँ यहाँ। यहाँ भी यहाँ। ये लो। चलता हूँ शम्स। या कुछ दिनों बाद खबर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायरी कर लेने से ही आदमी समझदार नहीं हो जाता, कुछ दुनिया के तेवर भी समझते हैं आप। तो क्या करते, कागजात आपके पास लेकर आते। वो आपके वकील है ना हीरालाल, वो किस मर्ज की दवा है? कह देते उन्हें, दिखा लूं तो दस्तखत कर दूंगा। अब इतने बल ना डालो पेशानी पर बेगम, आने वाले के माथे पर भी सिलवटें पड़ रही होंगी। आप भी तो हमें बगैर परेशान किए नहीं रहते। है तो परेशान क्यों होती हैं? आप परेशान क्यों होती हैं? पीर के रोज हम जाएंगे मेहरौली, रुपए तलब करेंगे, अगर ना दिए तो कागजात वापस ले आएंगे। हाँ, जैसे दे ही देंगे, हाथ लगी बटेर कोई लौटाता है? उनका ईमान वो जाने, मैं अपना ईमान क्यों खराब करूं, वो भी एक बटेर चोर के पीछे। बीबी जी, दाई भी आई है मालिश के लिए। हाँ बुला लो। अच्छा हम चलते हैं। किस रोज की उम्मीद है? इंशाल्लाह ईद के रोज। तब तो ईद दोबाला हो जाएगी। मिठू मिया, तुम्हारे ना जोरू ना बच्चे, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? पेंशन का फैसला कब होगा असद भाई, अल्लाह जाने। लेकिन हाँ असद भाई, ये 750 हैं, 400 इसमें और 350 इसमें। फिलहाल शाही खजाने से तो इतने ही मिले। हाजी, तुम कब लौट रहे हो आगरा? कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। तो एक काम हमारा कर देना, ये 350 रुपए हमारे भाई के यहाँ पहुँचा देना। जानते हो ना यूसुफ मिर्जा को, और उससे कह देना खत लिखे। अच्छा शम्स, मैं चलता हूँ, तुम्हारी सवारी ले जा रहा हूँ, मेरठ से लौटा दूंगा। मेरठ में क्या काम है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरठ छावनी में अंग्रेजी शराब मिलती है, पैसे हाथ लगे हैं तो मिर्जा नौशा जाएंगे कहाँ? अरे बाकी रुपयों की शराब खरीद लेंगे क्या? कितने की खरीदते हैं ये तो अल्लाह ही जाने। संभल के संभल के। जी बस बस यहीं रुको, मैं मुलाजिम को भेजता हूँ। जी अच्छा। और जरा संभाल के उतारना है, कांच का सामान है। जी हुजूर।